हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और जियो अमेरिका में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूं दुनिया के सबसे बड़े रिटेल शॉप में, जिसका नाम है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट 1962 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और आज 2023 में पूरी दुनिया में इसके 11,500 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। वॉलमार्ट का अकेला नेटवर्क 2023 में $550 बिलियन था, जिसमें जिसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ 44,000 अरब रुपया आता है। तो आप सोच सकते हैं वॉलमार्ट कितना बड़ा स्टोर्स है। वॉलमार्ट में इसके साथ ही 2.2 मिलियन एम्प्लॉयज मींस 22 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन एम्प्लॉयज यूएस अकेले में काम करते हैं। वॉलमार्ट अपने आप में इतना बड़ा स्टोर है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर घंटे इसका नेट प्रॉफिट $1.8 मिलियन होता है। तो $18 लाख हर घंटे इसका नेट प्रॉफिट होता है। तो ये तो सारी बातें हो गई स्टेट्स की, आई अंदर चल के हम आपको बताते हैं वॉलमार्ट स्टोर अंदर से देखने में कैसा लगता है। और ये अपने आप में एक छोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी आपकी नीड है, चाहे वो आपके कपड़ों की हो, आपके फूड की हो, आपकी ऑटोमोबाइल्स की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, फार्मेसी की हो, या क्रॉकरी हो, घर का फर्नीचर लेना हो, या और कोई भी सामान आप जो सोच सकते हैं, वो सब कुछ आपको वॉलमार्ट में मिलेगा। तो आइए चलिए मेरे साथ वॉलमार्ट स्टोर की सैर करते हैं। वॉलमार्ट के अंदर आते ही आपको काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगा। दिस इज़ अ वेरी बिग स्टोर फ्रॉम इनसाइड और मल्टीपल गेट्स होते हैं इसके। तो जिस गेट से मैं अभी अंदर आया, आप यहाँ देख सकते हैं वेजिटेबल सेक्शन है और टमाटो, एवोकाडो, ऑनियंस, क्यूकम्बर्स। और एक सेपरेट सेक्शन मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर चीज़ों के रेट क्या रहते हैं, सो दैट आप इंडिया के रेट से कंपेयर कर सकें। बाकी अगर आपके मन में ऐसा ख्याल है कि आपको कोई सब्ज़ी जो इंडिया में मिलती है और वो यहाँ मिलेगी कि नहीं, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज़ आपको वो सारे फूड, सारे वेजिटेबल्स, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। और इनफैक्ट उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्वालिटी से यहाँ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, और इसलिए इंडिया में बोलते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी का। तो ऐसा नहीं है कि सारा सामान इंडिया से ही एक्सपोर्ट होकर आ रहा है। यहाँ मैक्सिको कंट्री भी साउथ में है, जिसका टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस इंडिया से काफ़ी मैच करती हैं, तो वो सारी सब्जियाँ जो आपको इंडिया में मिलती हैं, सेम आपको वेजिटेबल्स यहाँ भी मिलेंगी यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो मैक्सिको से आती हैं या साउथ अमेरिका से आती हैं। और ये फ्रोज़न आइसक्रीम सेक्शन है, फ्रोज़न मील काफ़ी यूज़ करते हैं यहाँ के लोग, और काफ़ी बड़े बड़े फ्रिज होते हैं जिसमें ये हफ्तों का सामान, वीक्स का सामान रखते हैं। ब्रेड सेक्शन, क्लॉथिंग सेक्शंस। और आपको एक बात और बताऊं कि वॉलमार्ट के खुद का इन हाउस ब्रांड है ग्रेट वैल्यू और ऑन एंड इक्वेट। तो बहुत सारा फूड आइटम है आपको ग्रेट वैल्यू ब्रांड का मिलेगा, जिसका मार्केट प्राइस दूसरे ब्रांड से काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि आप वॉलमार्ट से खुद वो ब्रांड ले रहे हो और क्वालिटी वही रहती है। साथ में ऑन इनका एक ONN, ऑन इज़ अ ब्रांड नेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ वॉलमार्ट। तो आप सैमसंग का या LG का TV लेंगे, साथ ही आपको ऑन का TV भी मिल सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो ऑन ब्रांड के नाम से बेचते हैं। तो चीज़, जैसा कि आपको बोला, यहाँ ग्रेट वैल्यू का चीज़ रखा हुआ है, दिस इज़ द साइन फॉर दैट। और इसका प्राइस दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में कम रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाथरूम एंड हाउसकीपिंग सामान का सेक्शन भी है सेपरेट। इसके साथ पैकेज्ड कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, सेपरेट सेक्शन। यहाँ पैकेज्ड फूड आइटम काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं, ये ब्रेकफास्ट, एग्स, डेली नीड्स एंड वाटर बॉटल्स। लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा वाटर बॉटल्स का यूज़ करते हैं। ये बियर, लिकर का सेक्शन है। तो इंडिया में जैसे सेपरेट वाइन शॉप, लिकर शॉप होती है, यहाँ आपको विद इन द स्टोर्स भी आपको मिल सकता है। और आपको ये सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको पेट्स के फूड आइटम और पेट्स को
खिलाने के और उनको तैयार करने के, उनकी मेडिसिन का वो सेक्शन भी आपको सेपरेट मिलेगा। यहाँ पेट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक और सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेट्स की लाइफ स्टाइल कैसी होती है यहाँ पर, कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको हर ब्रांड का म्यूज़िक और पीडियो रिलेटेड सारे आइटम्स मिलेंगे। बच्चों का स्ट्रोलर्स, कार सीट, गर्ल्स क्लॉथिंग्स, ये टॉय सेक्शन है। टॉय सेक्शन काफ़ी बड़ा होता है, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कार भी बच्चों की चलाने वाली, ये राइड ऑन कार्स कहलाती हैं। किड्स ले सकते हैं और इनफैक्ट रोड पर जा सकते हैं। साइकिल भी आपको डिफरेंट वैरायटीज़ का मिलेगा, छोटे बच्चों का मिलेगा, माउंटेन बाइक्स मिलेंगी तो आप ले सकते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन, तो जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, रग्बी हो, बेसबॉल हो, या जिम से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, वो भी आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे। ये वाटर कूलर्स हमारे साइड में हैं। और आपको बताऊँ, गन, यहाँ जो गन कल्चर होता है तो आपको देखने मिलेगा। आप चाहें तो वॉलमार्ट के अंदर वॉक करते हुए आप जाके गन्स भी ले सकते हैं। और यूजली लोग प्रेफर करते हैं गन लेना फॉर हंटिंग, यहाँ हंटिंग सीजन आता है। और आई विल नॉट प्रमोट दैट, बट स्टिल US में गन्स ले सकते हैं और दे कैन यूज़ इट फॉर हंटिंग फॉर एनिमल्स। ये ऑटो सेक्शन है, यहाँ आपको कार से रिलेटेड हर एसेसरीज आपको मिल जाएगी, चाहे वो आपके टायर हो, ट्यूब हो, वाइपर्स हो, या आपका इंजन ऑयल, सारा सेक्शन, सारा सामान आपको यहाँ वॉलमार्ट से मिल सकता है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट सेक्शन है एंड फार्मेसी भी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ फार्मेसी से रिलेटेड, कि फार्मेसी में जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, वो सारी दवाइयाँ आपको फार्मेसी के काउंटर से मिलेंगी। और उसके बाहर ये ऐसे क्यूबिकल सेक्शन है जहाँ से आप आपकी इमरजेंसी की मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे पेन किलर्स हो गए, या आपको स्वेलिंग है या नौशिया है, हर बीमारी के लिए आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, किसी डॉक्टर ने दी हुई है, तो वो आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी, वो फार्मेसी से ही मिलेगी। रग्स सेक्शन है, बाथरूम सेक्शन है, जहाँ रग्स, डोरमेट्स और हैंगर्स, टॉवल्स, पिलो कवर, ये सारे मिलेंगे। हैंडलूम सेक्शन बेसिकली आई कैन से। शूज, तो डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट ब्रांड्स के शूज, क्रॉकरी आइटम, एंड आप देख सकते हैं ये डस्टबिन्स रखे हुए हैं, ट्रैश कैन। तो चूंकि ये वन सिंगल स्टोर है फॉर ऑल द नीड्स अ ह्यूमन कैन हैव, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। बट ऑफ कोर्स आपको सारा सामान वहाँ मिलेगा, आपको किसी और दूसरे स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बहुत ही डिटेल्ड स्टोर्स में जाना है जहाँ आपको कई ब्रांड्स के प्रोडक्ट कंपेयर करना है, तो आपको उस आइटम के स्पेसिफिक स्टोर में ही जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ ही एक और सेक्शन है, गार्डनिंग सेक्शन। तो आपको यहाँ खाद और फर्टिलाइजर्स और पौधे भी आप यहाँ से ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग अबाउट वॉलमार्ट।
और चेकआउट प्रोसेस भी यहाँ काफ़ी आसान है, सेल्फ चेकआउट होता है और आप अपने आइटम को स्कैन कर सकते हैं। और इनफैक्ट इस ये वेइंग मशीन का भी काम करता है, तो आप किसी आइटम को रख के उसका वेट भी आपको बता देगा और साथ में प्राइस भी कैलकुलेट करके बता देगा। आप इसके साथ आप चाहें तो काउंटर से खुद बिलिंग करा सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ चेकआउट भी है, कस्टमर सर्विस भी है। कस्टमर सर्विस के अलावा आपको यहाँ विजन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कोई है, किसी को कोई चश्मा बनवाना है अपना, तो वो यहाँ से बनवा सकता है। और भी बड़े सारे सेक्शन होते हैं वॉलमार्ट में, तो जैसा मैंने आपको बोला एक अपने आप में एक छोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने जाना होगा कि वॉलमार्ट अंदर से कितना बड़ा है। और शायद यही कारण है कि अमेरिका की 90% पॉपुलेशन वॉलमार्ट के 10 मिनट्स के डिस्टेंस में सराउंडिंग्स में रहती हैं। और ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट वॉलमार्ट। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल दिल से देसी जियो अमेरिका। और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही हमें कमेंट में बताइए और आप अमेरिका के कल्चर के बारे में क्या जानना चाहते हैं और साथ ही और क्या देखना नया चाहते हैं। थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ।